चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एनसीईआरटी में नहीं है, नीट वाले इसे नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला नोट कर लेंगे जो मैं कहूँगा, और मेंस वाले भी फॉर्मूला ही नोट करेंगे, लेकिन मेंस वालों को प्रूफ देखना पड़ेगा। एक्चुअल में ये किस ये टॉपिक है क्या? आप सोचेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर तो ऑलरेडी हमने की हुई है। हमने जितने भी कैपेसिटर किए, रूल नंबर वन, उन कैपेसिटर के साथ जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस हमने कंसिडर की नहीं। चेक कर लेना, हमने कभी आर लिया ही नहीं, पूरा इलेक्ट्रोस्टैट किया उसमें आर नहीं चला। दूसरा, हमने उसमें कभी भी ये नहीं कहा कि देखो ये कैपेसिटर है, नीचे बैटरी है, देखो मैं स्विच ऑन करने जा रहा हूँ। स्विच ऑन होते ही क्या होता है, करंट क्या होता है, कैपेसिटर में से जाएगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, कुछ देर के बाद वो फुली चार्ज हो जाएगा। और फुली चार्ज का मतलब क्या है, फुली चार्ज का मतलब अब वो और चार्ज को चेंज नहीं करवाएगा तो करंट उसमें क्या हो जाएगा, जीरो। और हमने कहा था कैपेसिटर अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देता इन स्टेडी स्टेट। तो जब कैपेसिटर बिल्कुल फुली चार्ज हो जाता है उस स्टेट को क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। ये टॉपिक ये कहता है कि जब आपने बैटरी को लगाया होगा तो प्रैक्टिकली वायर की रेजिस्टेंस भी हुई होगी, यार बिना रेजिस्टेंस तो वायर होती नहीं है। फिर जब आपने बैटरी को ऑन किया होगा तो कैपेसिटर में करंट शुरू में गया होगा जब तक उसके ऊपर वो फुली चार्ज नहीं हो जाता। तो जब उसमें करंट गया होगा तो टाइम टी इक्वल टू 3 मिली सेकेंड पे या 3 माइक्रो सेकेंड पे उस टाइम क्या करंट रहा होगा फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, वो आपको कैलकुलेट करने को कहेगा। हाँ, वो स्टेडी स्टेट में आ गया फिर तो करंट जीरो हो गया, बात ही खत्म। वो तो ये टॉपिक डील ही नहीं कर रहा, ये कह रहा है जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं होता तब तक इसमें चार्ज रहेगा, तो किसी भी इंस्टेंट पर कैपेसिटर में क्या चार्ज होगा वो हमें कैलकुलेट कर रहा है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो जब तक वो फुली चार्ज नहीं होता तब तक क्या चार्ज रहेगा ये बताओ। तो इसमें रूल नंबर वन, ये कैपेसिटर, ये बैटरी और वायर की रेजिस्टेंस आर, तो जब तक ये फुली चार्ज नहीं होता तब तक इसमें करंट जाएगा। तो आप इसमें ना करंट की वैल्यू निकालो जो कि क्या होगी इसके अंदर, डी क्यू बाई डी टी। हाँ, एक बार क्यू मैक्सिमम हो गया तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो, तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। पर अभी मैक्सिमम नहीं हुआ तो डी क्यू बाई डी टी। कुछ देर के बाद चार्ज इससे मैक्स हो जाएगा क्यू नॉट, और क्यू चार्ज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किरचॉफ लॉ लगाओ, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं प्लस से माइनस, तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस क्यू बाई सी। यहाँ से यहाँ आ रहे हैं माइनस आई इन टू आर, माइनस से प्लस पे आ रहे हैं प्लस ई इक्वल टू जीरो। सॉल्व करके टर्म आ गई, करंट को क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई डी टी। क्यू वाली टर्म्स एक तरफ और बाकी टर्म्स एक तरफ, इसे इंटीग्रेट करेंगे। जब टाइम जीरो था तो करंट चार्ज जीरो था, टी टाइम पे चार्ज क्यू हो गया। तो अगर हम इसे इंटीग्रेशन करें, ना नॉन मेडिकल ना मेडिकल किसी को नहीं करनी, अगर हम करें, प्रूफ तो करना ही नहीं है, आपके पास आंसर ये आएगा। इसके अंदर सी फॉर कैपेसिटेंस है, ई फॉर ईएमएफ ऑफ द बैटरी है, क्योंकि ईएमएफ मैक्सिमम वोल्टेज होती है, तो मैक्सिमम चार्ज क्या होगा, सी वी की जगह सी ई, तो क्यू नॉट सी ई। और इसके अंदर आर इंटू सी, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के यूनिट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें या डायमेंशनली सॉल्व करें तो आंसर सेकेंड्स में आएंगे, टाइम में आता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार्ज किसी भी इंस्टेंट पर ये फॉर्मूला फॉलो करेगा, इसे प्लीज फॉर्मूला के नोटबुक में नोट करें, प्रूफ नहीं करना, ये फॉर्मूला सब नोट करेंगे। ये फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस चार्ज का फॉर्मूला है। तो न्यूमेरिकल जब आएगा चार्जिंग में, टाइम दिए जाएगा वो आपको स्मॉल टी पुट करते रहना, चार्ज की वैल्यू उस टाइम पे निकालते रहना। पहला फॉर्मूला नोट करें, जब ये फॉर्मूला आप लिखेंगे साथ में ये भी लिखें, हेयर क्यू नॉट इज ई इंटू सी, क्यू नॉट सी इंटू ई एम एफ ऑफ द बैटरी,
और ये भी लिखें टाउ का मतलब टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आर इंटू सी, तो ये दोनों चीजें साथ लिखें प्लीज। ठीक है, अब इसके अंदर टाइम कांस्टेंट क्या चीज है? टाइम कांस्टेंट है अगर हम इस फॉर्मूले में स्मॉल टी को टाइम कांस्टेंट आर इन टू सी पुट करें, ये क्या चीज है, कौन सा टाइम है, सॉल्व करके आपके पास आंसर ये आता है। तो यहां पे फॉर्मूला बुकलेट में नोट करें, एट टाइम कांस्टेंट, एट टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू आर सी, चार्ज इन अ कैपेसिटर इज ऑलवेज इक्वल टू 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। टाइम कांस्टेंट वो समय है कि जब कैपेसिटर में चार्ज 63% ऑफ चार्ज हो जाता है, जो उसमें मैक्सिमम स्टोरेज होएगी। ठीक, अब आर इन टू सी हर न्यूमेरिकल में डिफरेंट होगा, तो हर का टाइम कांस्टेंट भी डिफरेंट होगा, तो ये फॉर्मूला भी नोट करें। ठीक, नेक्स्ट है, जब टाइम इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी समझते हो बहुत देर के बाद चार्ज क्या होगा, टाइम को जब इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पर ऊपर, तो माइनस इन्फिनिटी का मतलब 1/e^(-0) हो जाएगा, चार्ज मैक्सिमम होगा। यानी कि प्रैक्टिकली अगर वायर में रेजिस्टर हो तो कैपेसिटर जल्दी जल्दी चार्ज फुली होता ही नहीं, बहुत टाइम लगाता है चार्जिंग में। देखो एक्सपोनेंशियल टाइम, तो ये ग्राफ मार्क करने को आएगा अगर चार्जिंग में, तो शुरू में चार्ज ज्यादा ज्यादा ज्यादा, उसके बाद बहुत टाइम इन्फिनिटी के बाद वो मैक्सिमम होगा, ये ग्राफ मार्क करने को आ सकता है, राइट। उसी तरीके से डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग में बैटरी को हटा दें, कैपेसिटर को खाली करना है, कैपेसिटर की प्लेट्स को जोड़ दें, तो कैपेसिटर की प्लेट्स जब जुड़ेंगी यहाँ से एक वायर के थ्रू, तो इसमें करंट आएगा और कैपेसिटर खाली होगा, और यहाँ से करंट जाएगा तो हीट की फॉर्म में सारी एनर्जी बाहर निकलेगी। फिर से किरचॉफ लॉ, यहां से यहां आ रहे हैं माइनस क्यू बाई सी प्लस आई आर इक्वल टू जीरो, बैटरी तो है ही नहीं, और यहां पर जो करंट होगा उसकी वैल्यू डी क्यू बाई डी टी नहीं, माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि यहां पर करंट की वैल्यू चार्ज इसमें भर नहीं रहा, चार्ज खाली हो रहा है, तो नेगेटिव माइनस डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ जो चेंज है वो नेगेटिव है। फिर इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन में लिमिट क्या लगेगी, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो चार्ज क्यू नॉट है मैक्सिमम है, और टी टाइम पे खाली होके क्यू रह गया, तो इंटीग्रेट करके ये फॉर्मूला नोट करें प्लीज, q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। तो जब न्यूमेरिकल चार्जिंग का आएगा तो ऊपर वाला फॉर्मूला, डिस्चार्जिंग का आएगा तो ये फॉर्मूला, और डिस्चार्जिंग में टाइम कांस्टेंट की वैल्यू अगर आर सी यहां पुट करते हैं तो नोट करें, एट टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू आर सी, क्यू is 37% of Q naught। तो चार्जिंग में टाइम कांस्टेंट पे चार्ज कितना होता है 63%, और डिस्चार्जिंग में क्या होता है 37%। और डिस्चार्जिंग का ग्राफ अगर प्लॉट करने को आ जाए, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो चार्ज Q naught है, टाइम के साथ डिस्चार्जिंग हो रही है, इनफाइनाइट टाइम पे जाके चार्ज क्या होगा, जीरो। ये मैथमेटिकली प्रूव भी है, एट टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी चार्ज जीरो आएगा, यानी कि कैपेसिटर चार्ज करना भी, चार्ज करने में बहुत टाइम लेता है, और कैपेसिटर डिस्चार्ज होने में बहुत टाइम लेता है, तो ये इसका मतलब है। ठीक, क्या ये पॉइंट क्लियर है? एक और चीज इसमें याद रखें और फॉर्मूले में नोट भी कर लें चाहे तो, वो क्या, तो आप ऐसा लिखें इसमें कि चार्जिंग के अंदर, चार्जिंग में और डिस्चार्जिंग में, ठीक, जो फॉर्मूला है वो क्या है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1-e^(-t/tau, डिस्चार्जिंग में Q इज इक्वल टू क्यू नॉट e^(-t/tau, ये रहा।
इसके अंदर अगर मैं दोनों साइड्स को सी से डिवाइड कर दूं, चाहे इसे कर दूं चाहे इसे कर दूं, कोई फर्क नहीं, तो मुझे ये बात समझ में आती है क्यू क्या होता है सी वी, क्यू बाई सी क्या होता है वी। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल किसी भी इंस्टेंट पर क्या होगा, उसका मैक्सिमम पोटेंशियल वी नॉट, वी नॉट का मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल, इंटू 1 - e^(-t)/टाउ। तो न्यूमेरिकल वी में आएगा तो ये इक्वेशन, चार्ज में आएगा तो ये इक्वेशन, ऐसे इसमें भी वी इज इक्वल टू वी नॉट e^(-t)/टाउ। तो वी की इक्वेशन आ गई। ठीक, अगर बाय चांस मेडिकल में तो नहीं आएगा, खैर नॉन मेडिकल में, अगर ये चार्ज है, चार्ज है और मैं पूछूं करंट क्या होगा, आपको कैलकुलस लगाना पड़ेगा। करंट क्या होता है, dQ/dt, इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो करंट आएगा, हम कर नहीं रहे वैसे बता रहा हूं। ऐसी अगर ये चार्ज है चार्जिंग में किसी भी इंस्टेंट पर, उस इंस्टेंट पर करंट निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट रिस्पेक्ट टू टाइम, तो करंट आ जाएगा। न्यूमेरिकल्स पे देखेंगे। तो यहां तक सबको क्लियर क्लियर है?